Hi guys, my name is Rohit Goel and I'm a third year BHMS student at NHMC Delhi, University of Delhi. आज हम बात करने वाले हैं can I prepare for NET along with BHMS इस टॉपिक पर. ये बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक होता है और बहुत क्यूरियस होते हैं बच्चे इस टॉपिक को लेकर, इसलिए मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर एक वीडियो जरूर बनानी चाहिए. उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या फिर मेरे चैनल का कॉन्टेंट थोड़ा सा हेल्पफुल लगे तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड लाइक द वीडियो ऑल्सो एंड कमेंट करके बताइएगा बीच में या फिर बाद में या फिर पहले कि आपको ये वीडियो से क्या सीखने को मिला या फिर आपके क्या डाउट. सो मूविंग ऑन, तो सबसे पहले हमें ये बात करनी होगी कि जो बच्चे नीट के प्रिपेयर करना चाहते हैं BHMS के साथ, वो ऐसा सोचते क्यों हैं कि हम नीट प्रिपेयर करना चाहिए हमें BHMS के साथ. तो मैं ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा फालतू, बस एक ही टाइप के बच्चे होते हैं मेजॉरिटी जो ये सब सोचते हैं, जो बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं और जो बहुत जिन्होंने बहुत ज़्यादा ड्रॉप लिया होता है तो उनके पास टाइम नहीं होता, पैसा नहीं होता इन्वेस्ट करने के लिए ज़्यादा, इसलिए वो सोचते हैं कि हम BHMS ज्वाइन कर लेते हैं साथ के साथ नेट ड्रॉप कर लेंगे, नेट के लिए ड्रॉप कर लेंगे और एक और अटैम्प्ट दे के हम सिलेक्ट हो जाएंगे. तो इसमें ये बच्चे सोचते हैं, ठीक है, लेकिन क्या बच्चे एक्चुअली में सिलेक्ट हो पाते हैं, ठीक है, ये सोच के. तो आज उसकी रियलिटी में भी आपको नहीं घुमाऊंगा कि ज़्यादा मोटिवेट नहीं करूंगा कि आप सिलेक्ट हो जाओगे नहीं हो जाओगे, ठीक है. वो देखो कम्प्लीटली आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि आप जो कोर्स ज्वाइन करने जा रहे हो BHMS, ठीक है, वो कोई हलवा नहीं है, ठीक है, वो इट्स अ वेरी प्रोफेशनल कोर्स. एंड किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में आपको टाइम लगती है, मेहनत कर लगती है, उसके साथ आपको जस्टिस करना चाहिए, ठीक है, उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना चाहिए. मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अगर आप किसी प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन कर रहे हो तो उसके साथ आपको साइड बाय साइड किसी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये हर सिनेरियो में ट्रू नहीं है, ठीक है. अगर आपको की फैमिली कंडीशंस बिल्कुल अलाउ नहीं करती, ठीक है, और अगर आपका बहुत सपना है कि आपको करना ही है, ठीक है, तब आप उस चीज़ में कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है. लेकिन मैं आपको अगर सच बताऊँ ना तो 90% से ज़्यादा बच्चे जो BHMS में आते हैं वो फर्स्ट ईयर में नेट की प्रिपेयर करते हैं, उसमें से कुछ और परसेंटेज जब कम हो जाती है तो सेकेंड ईयर में करते हैं, और थर्ड ईयर में भी बहुत बच्चे करते हैं, बहुत स्मॉल परसेंटेज रह जाती है, ठीक है. और मैंने सिर्फ BHMS की बात ये नहीं है, मैंने और अदर स्ट्रीम्स के बच्चे भी देखे हैं, ठीक है, वो फाइनल ईयर तक भी नेट का प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. तो उसमें देखो फर्स्ट ईयर में ठीक है कि आप एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट ईयर से आगे मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है. लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हैं लाइफ में, ठीक है. लेकिन मैं आपको ये बता रहा था कि फर्स्ट ईयर में अगर आप आते हो तो उसके बाद अगर आप प्रिपेयर करते हो एक साल तो क्या क्या परसेंटेज है, क्या चांसेस हैं कि आप अगले साल सेलेक्ट हो जाओगे, ठीक है. तो मैं आपको बताता हूँ जो लेस देन फाइव परसेंट भी मैं एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है. लेस देन 5% अगर एक क्लास में 100 बच्चे हैं तो लेस देन 5 बच्चे जो होते हैं वो सिलेक्ट होते हैं MBBS में, गवर्नमेंट कॉलेज में, अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में MBBS में, ठीक है. और उसके अलावा जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं उनके अलावा कोई अगर किसी का BDS में नंबर आ गया, किसी का BMS में नंबर आ गया, कोई अगर नर्सिंग में चले गया, कोई फार्मेसी में चले गया, तो उनकी चॉइस है, ठीक है. लेकिन जो जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने गोल के लिए, उसमें लेस देन 5% बच्चे अचीव करते हैं वो गोल, ठीक है, एक साल की मेहनत के बाद, ठीक है. तो आपको डिपेंड करना है कि आपके ऑड्स कितने हैं कि आपको अगर एक ट्राई करना है या नहीं करना. लेकिन उस लेस देन 5% के चक्कर में अगर आपकी फर्स्ट ईयर की स्टडीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होती है तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उस चीज़ को हैंडल कर सकते हो या फिर अगले साल उस चीज़ को कवर कर सकते हो. अगर आप उस चीज़ को कवर नहीं कर सकते और अगर आपको लगता है कि आपकी जो नेट का स्ट्रेस है 3 साल का 2 साल का 4 साल का वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैं भी जानता हूँ, मैं भी नेट एस्पिरेंट था एक टाइम पे, तो वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ही इतना ज़्यादा होता है, उसके बोझ तले नहीं हो सकता, ठीक है. जब तुम एक कोर्स में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो वो एनवायरनमेंट तुम्हें अलाउ ही नहीं करता कि आप दोबारा से उस दुनिया में जाओ जिस दुनिया से आप निकल कर आए हो, ठीक है. तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी कंडीशंस के तौर पर ये देखिए कि आपको नेट के साथ प्रिपेयर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है. तो अगर मैं अपना पर्सनली बोलूँ तो मैंने सोचा था कि यार चलो प्रिपेयर कर लेते हैं, लेकिन मैंने फिजिक्स की बुक खोली, मेरे को नहीं मिला कुछ मेरे को तो बस के भाई मेरे से नहीं होगा. मैं तो मतलब मैंने ये सोचा था कि यार अगर इतने टाइम में मैं ये नीट का प्रिपेयर करूँगा, अगर इतना ही टाइम अगर अपने प्रोफेशनल कोर्स में दूंगा तो मैं ज़्यादा पढ़ सकता हूँ, मैं ज़्यादा अच्छी क्लिनिकल स्किल्स डेवलप कर सकता हूँ, ठीक है. और लोग कहते हैं कि ठीक है कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितनी एज में ज्वाइन कर रहे हो, कितनी में नहीं कर रहे हो, ठीक है.
ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता टेक्निकली, लेकिन अगर हम सही रियलिटी देखें तो फर्क पड़ता है। ठीक है, हर चीज़ की एक एज होती है। ठीक है, अगर जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे प्रोग्रेस करेंगे वैसे वैसे आपका जो एंथुसियाज्म लेवल है, वैसे वैसे आपका जो रिसर्च लेवल है, ठीक है, क्यूरोसिटी लेवल है, वो कम होता जाएगा। ठीक है, जितनी जल्दी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, इट्स अ वेरी फास्ट मूविंग वर्ल्ड। ठीक है, इन अ सेकेंड दुनिया चेंज हो रही है। ठीक है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, मेडिकल साइंस चेंज हो रही है। जितनी जल्दी आप ज्वाइन करेंगे, जितनी जल्दी आप करियर में मूव करेंगे आगे, उतनी जल्दी आप अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, उतनी जल्दी आप सैचुरेशन लेवल को अवॉइड कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरा मानना यही है कि जितनी जल्दी इस नेट की रैट रेस से बाहर निकलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ठीक है, आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी के कहते हैं एग्ज़ाम्स हैं, एंट्रेंसेज हैं, इंडिया एंट्रेंस से भरा हुआ है। ठीक है, तो मेडिकल साइंस में ये नहीं होती, ये मैं आपको ट्रूली बता रहा हूँ। ठीक है, ये हमें लगता है कि सिर्फ हमारी सोच होती है। ठीक है, मेजोर इसमें कुछ पार्ट एक अपॉर्चुनिटीज़ का भी होता है कि अलग अलग कोर्स में थोड़ी थोड़ी कम या ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, वो मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें मेजॉरिटी पार्ट सिर्फ सोच का होता है। ठीक है, इंसान की सिर्फ सोच ही बना रखी है कि ये छोटा कोर्स है, ये बड़ा कोर्स है, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। सब में बढ़िया है, सब डॉक्टर हैं, ठीक है, सब दवाई देते हैं, सबको पेशेंट दुआ देते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ी बहुत कमियां सब में होती है। जैसे कोई फ़ोन परफेक्ट नहीं होता, जैसे कोई कपड़ा परफेक्ट नहीं होता, वैसे कोई कोर्स परफेक्ट नहीं होता। सबके अंदर आपको प्रोज एंड कॉन्स मिलेंगे। ठीक है, तो एक साल ट्राई करो, दो साल ट्राई करो, तीन साल ट्राई करो, नहीं हो रहा कोई बात नहीं है, जो मिल रहा है आपको ले लो। ठीक है, उसमें आपको ये कोई बात नहीं है। लेकिन आपको अगर नेट का, मैंने आपको जैसे जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपको नेट के नेट का प्रिपेयर करना है BHMS के साथ, तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जो मोटिवेशन लेवल है, ठीक है, बहुत हाई होना पड़ेगा। आपकी जो टाइम मैनेजमेंट लेवल है बहुत हाई होना पड़ेगा, आपकी जो डिस्ट्रैक्शंस है बहुत लो होने पड़ेंगे, तब जाके प्रोबेबिलिटी बनती है हाई कि आप नेट क्रैक कर सको BHMS के साथ। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ करने के लिए कर रहे हो कि चलो एक और ट्राई कर देते हैं, तो मत करो। ठीक है, खुद को भी धोखा मत दो, दूसरों को भी धोखा मत दो। अपना जो कोर्स ज्वाइन करा है उस पर मेहनत करो। ठीक है, वो भी कोई आपको ऐसे फ्री में नहीं मिला है, वो आपकी मेहनत से मिला है। ठीक है, तो उसकी इज्जत करो और अपनी लाइफ शुरू करो। ठीक है, यही मैं इस वीडियो में कहना चाहूँगा। सो आई होप आपको ये जो मैंने समझाया वो आपको थोड़ा सा आपको हेल्प करे समझने में, आपके लाइफ के डिसीजंस को लेने में। ठीक है, और मैंने ये कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं लिखी थी, मैंने कम्प्लीटली मेरे रॉ थॉट्स से जो मुझे लगता है। ठीक है, और इसमें ऐसा कोई नहीं है यार कि मैं आपको कुछ मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ या फिर कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कुछ बच्चे कमेंट्स में बोलते भी हैं कि आपने ये बताया ये नहीं बताया, ठीक है, और आपको ऐसा बताना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। लेकिन मैं आपको ये लगता है कि जो मेरे को दिल से आती है, जो मैंने एक्सपीरियंस पे सीखा है, जो मैंने देखा है, वही मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, इसमें कोई हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मेरी नॉलेज कम हो, ठीक है, हो सकता है, लेकिन जितना मैं आपको बताता हूँ उतना मेरे को श्योरिटी है कि मैंने ये रियलिटी ही बताई आपको। ठीक है, मैं कोई अपने से कोई फेक नहीं बताता हूँ। ठीक है, कोई इंटरनेट से पढ़ के मैंने नहीं बोल रहा है ये सब। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगे, एंड अगर ये वीडियो अच्छी लगे आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।